बोलिए बोलिए। नमामि धन्वंतरि आदि देवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्मनतिनाशं न तुं कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं न मे दुःखतप्तानां पुत्राणाम् अविनाशनम्। भगवान धन्वंतरी की इस स्तवन के साथ मैं इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करता हूं और आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर पूर्वानी सर से अनुरोध करूंगा सर अपना लेक्चर माननीय पूर्वानी सर। सभी को नमस्कार और सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज म्यूट कर लीजिए। आज के दिन पे विशेष रूप से कार सर और किन्नी मैडम को जन्मदिन की शुभकामनाएं और इन शुभकामनाओं के साथ मैं मेरा व्याख्यान शुरू करता हूँ। आज हम जो जिस विषय पे बोलने वाला हूँ मैं संधिशूल इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। संधिशूल ऐसा शब्द है कि व्यवहार में संधिशूल और आर्थराइटिस के संबंध में कई मिसकंसेप्शंस है। जैसे कई स्थानों पर आर्थराइटिस क्लिनिक रहता है तो उसके बाजू में हिंदी में लिखा रहता है संधिवात क्लिनिक। अभी संधिवात और संधिशूल ये दो अलग शब्द है। वो मेरा ये शुरू कर रहा हूँ वो शुरू करना फर्स्ट लाइन सर शेयर करने के लिए परमिशन दो सर मुझे वो स्लाइड शो के लिए परमिशन दीजिए ना सर। पवन सर पवन सर आप परमिशन देंगे तभी स्लाइड शेयर कर पाएंगे सर। सर आपको मिल गई परमिशन। हाँ हाँ सर थैंक यू सर ओके नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट नेक्स्ट संधिशूल शब्द क्या व्याख्या आई हुई है अस्थि संधि संयोग ऐसा उसकी व्याख्या है और संधिशूल वेदना इसको संधिशूल ऐसा कहा गया है। और आर्थराइटिस शब्द के लिए आर्थो जॉइंट और आइटिस इन्फ्लेमेशन आर्थराइटिस इज द फॉर्म ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स ये क्लियर स्पष्ट लिखा है दोनों शब्दों में। संधिशूल में भी स्पष्ट व्याख्या है आर्थराइटिस भी स्पष्ट व्याख्या है लेकिन व्यवहार में हमें क्या दिखता है कि भाई कई क्लिनिक्स में आर्थराइटिस क्लिनिक लिखा रहता है और बाजू में लिखा रहता है संधिवात चिकित्सालय। अब संधिवात ये एक अलग व्याधि है जिसका कोरिलेशन हम ऑस्टियो आर्थराइटिस से करते हैं। संधिशूल ये एक लक्षण है एक व्याधि है एक लक्षण है इस तरह के मिसकंसेप्शन चलते रहते हैं। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा के संबंध में इसका क्लियरेंस होना बहुत आवश्यक है कि संधिवात क्या है या संधिशूल ये व्याधि किस किस व्याधियों में रहता है। हेलो सर का माइक म्यूट हो गया। हाँ अभी आई है सर आवाज आई। हाँ पहले सर आपका म्यूट हो गया था अभी। हाँ तो जो पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं संधिशूल लेकर के उसमें कई व्याधियां रहती है किंतु संधिशूल का निश्चित निदानकरण करना बहुत आवश्यक रहता है कि उसको जो संधिशूल व्याधि है किस प्रकार का संधिशूल किस प्रकार की व्याधि का है। अब आयुर्वेदिक संहिताओं में देखेंगे तो उसका वर्णन देखा जाए तो संधिशूल का क्रमशः वर्णन बढ़ा हुआ है एकदम से सभी संधिशूल व्याधियों का वर्णन हमें नहीं मिलता है। जैसे चरक संहिता देखेंगे तो उसमें संधिवात और वातरक्त दो ही व्याधि ऐसी है कि जिसमें संधिशूल प्रधान लक्षण है। उसके आगे जब सुश्रुत संहिता में जाते हैं तो उसमें मुष्टुक शीर्ष व्याधि जुड़ गया है और फिर अष्टांग संग्रह में नया व्याधि नहीं जुड़ा है। फिर आगे माधव निदान में जाते हैं तो उसमें आम्बवात व्याधि का
विस्तृत निदान पंचक वर्णन किया है। यानी ये क्रमशः सातवीं शताब्दी तक हमारे संधिशु की चार व्याधियों का उल्लेख मिलता है, संधिवात, वातरक्त, ओष्ठक शीर्ष और उसके बाद सेवंथ सेंचुरी में आमवात व्याधि का उल्लेख है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट कहीं पर भी आमवात व्याधि का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में आज तक जो संधिशूल के संबंधित कई व्याधियों का वर्णन मॉडर्न साइंस में आया है, अब उसका यदि हम डिटेल देखेंगे तो उसमें आपको कहां से शुरुआत होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, पोस्ट अमीबिक आर्थराइटिस, गाउट, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस, सिफिलिटिक आर्थराइटिस, लेप्रोटिक आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस और आखिरी में अभी अभी फिर डायबिटिक आर्थराइटिस। इस तरह से व्याधियों का विस्तार बढ़ते गया है, यानी संधिशूल लक्षण लेकर के आने वाली व्याधियों का विस्तार इस तरह से बढ़ते गया है। अभी ये पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, फाइल लेकर के आते हैं, अब उसका आयुर्वेदिक वे से निश्चितीकरण करना जरूरी है। अभी ग्रंथ पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको विस्तृत वर्णन मिलेगा। हम ओपीडी में जब स्टूडेंट्स को लेके बैठते हैं, स्टूडेंट्स और पेशेंट्स जब सामने रहते हैं, तो हम ओपीडी लेवल पर उसका तुरंत क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे करें, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, कोई रेडियोलॉजिकल नहीं कराएंगे और उसको हमको निदान करना रहता है, तो हम उसका ओपीडी लेवल पर तुरंत या निदान के निश्चितीकरण के नजदीक हम किन लक्षणों के आधार पर पहुंच सकते हैं, यह हमारे ओपीडी में रेगुलर रूप से किया जाता है। या आईपीडी में भी हम यदि करते हैं तो ये 10-12 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको लेकर के हम संधिशूल का निदान करते हैं कि आने वाला रुग्ण किस तरह की संधिशूल वाली व्याधि से पीड़ित है और फिर उसको क्या चिकित्सा देना बहुत इजी हो जाता है। अब इसको मैंने अभी आगे टेबल के द्वारा दर्शाने की कोशिश की है। जी, आपका स्लाइड आगे नहीं जा रही है। हाँ हाँ, वही देख रहा हूँ मैं। हाँ, अभी आ गई है सर। लिखा है क्लिनिकल डिफरेंसेस इन आर्थराइटिस इन संधिशूल। अभी इसमें चार पांच बातें देखिए, इधर हमने यहाँ शुरू किया है, एक एरो आमवाद दिया है, संधिवाद दिया है, वातरक्त और कुष्ठशीर्ष, जो आयुर्वेद की चार व्याधियां या मेनली मैंने यही ली है और उनके लक्षण जो हम टैली करते हैं वो लक्षण नीचे दिए, ज्वर, वेदना आरंभ, वेदना प्रमाण, वेदना स्वरूप, वेदना काल। अब इसके आधार पर कुछ नेक्स्ट स्लाइड में और दिए हैं मैंने लक्षण, इसके आधार पर हम किस तरह से डायग्नोसिस के नजदीक जा सकते हैं। अब जैसे पहले हमने ज्वर लक्षण लिया, तो ज्वर लक्षण यदि देखा जाए तो आमवाद के रुग्ण में ज्वर निश्चित रूप से आपको मिलेगा, चाहे मंद हो या तीव्र हो, तीव्र के रुग्ण ज्यादा रहते हैं, वो किस कितने दिनों के बाद आता है इसके ऊपर भी डिपेंड है। रुग्ण अगर तुरंत यानी जल्दी में आता है तो ज्वर तीव्रता ज्यादा मिलेगी, बाद में तीव्रता कम हो जाती है। संधिवात के रुग्ण में कभी ज्वर नहीं मिलेगा आपको, एक आध बार कभी जब उसमें अमावस्या रहती है तो उसको मंद ज्वर स्वरूप मिल सकता है, प्राय नहीं शब्द में वापरता हूँ। वातरक्त में ज्वर मिल भी सकता है मे भी, और अगर मिला तो 99-100 डिग्री फेरेनहाइट के रेंज में मिलेगा। कोष्ठक शीर्ष में भी वही अवस्था रहती है, उसमें ज्वर नहीं रहेगा, मिलेगा तो 99-100 डिग्री फेरेनहाइट के रेंज में मिलेगा। ये हो गया ज्वर से संबंधित। उसका वेदना आरंभ पूछा हमने कि भैया आपको वेदना की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से संधियों से आपको वेदना की शुरुआत हुई, तो आमवात में त्रिक संधि, त्रिक स्थान प्रवेशको शब्द टेक्स्ट में आया है, अर्थात त्रिक संधि यानी वो कशेरुकाओं की संधि, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है। त्रिक संधि यानी ऐसा संधि कि जिस संधि में दो अस्थियों से ज्यादा अस्थियां पार्टिसिपेट करती है, ऐसे संधियों को त्रिक संधि में गणना की गई है। उन संधि स्थानों से या फिर बड़ी संधियों से इस आमवात व्याधि की शुरुआत होती है। दूसरा, ये संधिवात जनरली हमेशा वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, नी जॉइंट्स में होता है, प्राय करके देखा है जानु संधियों में होता है, और अगर यही आमवात यही संधिवात जो वात व्याधि का ही एक प्रकार है, मन्या भाग में हुआ तो हम उसका नाम बदल देते हैं मन्या ग्रह बोल देते हैं, कृष्णकटी भाग में हुआ तो उसका हम नाम बदल देते हैं कटी ग्रह बोलते थे। संप्राप्ति सबकी एक जैसी रहेगी, कटी ग्रह की, मन्या ग्रह की, ये संधिवात जो जानु संधियों में हुआ संप्राप्ति एक जैसी रहेगी, लेकिन उसका स्थान बदल गया इसलिए नाम बदल जाता है। और तीसरा है वातरक्त व्याधि, लघु संधि या पर्व संधियों से इसकी शुरुआत रहती है। पेशेंट जब आता है तो वो क्लियर कट हिस्ट्री देता है कि हाथ की अंगुलियों में या पैर की अंगुलियों से शुरुआत हुई है, भले ही अब आपके पास आया तो मणिबंध भी लेके आएगा, गुल्फ संधि भी लेके आएगा,
लेकिन शुरुआत जो हुई है लघु संधियों से होती है और कोष्ठक शीर्षक सबको जानते हैं कि केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जानु संधि में ही होता है। फिर चाहे एक जानु संधि हो या दोनों जानु संधि हो, हमने दोनों जानु संधि में भी कोष्ठक शीर्षक देखा है। तीसरा मुद्दा आता है वेदना प्रमाण, कितना प्रमाण में वेदना रहती है, कितनी प्रमाण में रहती है। आमवात में दिया है वृश्चिक दंशवत तीव्र वेदना रहती है रुग्ण को, लेकिन संधिवात में तीव्र वेदना नहीं रहती है, मंद स्वरूप की वेदना रहती है। आपके पास आता भी नहीं है वो पेशेंट, कब आता है जब उसका वेदना रहती है वो आपके पास तुरंत नहीं आता, जिस दिन उसका बैठना बंद हो जाता है, उत्कटासन असमर्थ हो जाता है, या सवेरे टॉयलेट के लिए गया और वो बैठ नहीं सका, उस दिन वो आपके पास जरूर आएगा, उसके पहले तक वो आता नहीं है आपके पास। और वातरक्त का जो रुग्ण रहता है उसमें वेदना रहती है। ओश चोष और दाह लक्षण दिया है कि अंदर जोड़ों में खींचे जैसा लगता है, अंदर बर्निंग सेंसेशन रहता है, उसमें जैसे घाव पकता है, इस तरह की वेदना होती। पेशेंट की भाषा है साहब, अंदर मराठी में बोलते साहब कोड़ा पिकल्यावानी वाटते, या अंदर घाव पक रहा है, इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं। ये ओश चोष दाह से रिलेटेड शब्द का प्रयोग करते हैं और यही कोष्ठक शीर्षक होता है। पर यहाँ स्थान बदल जाता है, यहाँ जानु संधि में ओश चोष दाह रहता है, यहाँ लघु संधि या पर्व संधियों में ओश चोष दाह प्रकार की वेदना रहती है। उसके बाद वेदना का स्वरूप कैसा रहता है ये हम पेशेंट से निश्चित पूछते हैं। आमवात में संचारी वेदना रहती है। बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है संचारी यानी कैसा। संचारी यानी एक जानु संधि में, समझो दक्षिण जानु संधि में आज वेदना है, दो दिन तक वेदना रहेगी, तीसरे दिन वहां की वेदना कम होगी और चौथे दिन फिर वाम जानु संधि में वेदना शुरू होगी, दो दिन वहां रहेगी, फिर अगले दिन कूर्पर संधि में वेदना आएगी, वहां की कम होगी तो गुल्फ संधि में वेदना आएगी। यानी वेदना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, यानी इस प्रकार की संचारी वेदना केवल और केवल आमवात में मिलती है। इसमें संधिवात में सवाल ही नहीं उठता, इसमें संचारी होती नहीं है। वातरक्त में वेदना संचारी नहीं रहती है लेकिन प्रसारी रहती है। टेक्स्ट में शब्द आया है आखु विष एव प्रसारयति, यानी जैसे पैर की अंगुली से शुरू हुआ तो धीरे धीरे बढ़ते हुए ऊपर गुल्फ संधि में आएगा, वो जाके दा जानु संधि में आएगा, हाथ के पर्व संधियों से हुआ है तो मणिबंध में आएगा, पूर्पर में आएगा, यानी क्रमशः प्रसार होता है आगे आगे संधियों में, लेकिन आमवात में संचारी रहता है। और कोष्ठक शीर्षक का तो सवाल ही नहीं उठता, केवल और केवल जानु संधि में ही वेदना होती है। अब इसका वेदना काल क्या रहता है, अगला प्रश्न हमारा रहता है पेशेंट से कि भैया कब आपको तकलीफ ज्यादा होती है। तो बोलते सर हमेशा दुखता है, सतत दुखता है, सुबह भी दुखता है, दोपहर में भी दुखता है, रात भर में सोता नहीं हूं, ये सतत कंटिन्यूअस उसको फीलिंग रहती है। सोए में भी दुखता है, बैठे में भी दुखता है, चलना तो चलते समय तो दुख नहीं है उसको, ये उसको सतत वेदना होती है। लेकिन एक विशेष है कि इसमें सुबह उठे बराबर या शीत संपर्क ज्यादा हो गया, रात्रि काल आया तो वेदना बढ़ जाती है, शीत बढ़ गया तो वेदना बढ़ जाती है, हमको बताते हैं। और साथ में कैसा संक्रमणोत्तर वेदना रहती है, पेशेंट को वेदना होती है लेकिन श्रम किया, कहीं जाना आना हो गया, प्रवास हो गया, कहीं गाड़ी में बैठ के 3 घंटे बैठक हो गई, एक जगह बैठा काम हो गया तो उसके संधियों में वेदना बढ़ जाती है, नहीं तो वो सोया है, बैठा है, आराम कर रहा है तो उसके जोड़ों में दर्द नहीं होता है। वातरक्त में रात्रि में वेदना ज्यादा होती है, ओश चोष दाह रात्र भर, वो पेशेंट बोलता है रात भर फोड़े के जैसा लस लस होता है साहब जॉइंट में मुझे, मैं रात भर नहीं सोता सर, ये पेशेंट की फीलिंग रहती है। और सुबह सुबह मुझे नींद लगी, थोड़ा अच्छा लगा, ये फीलिंग ये वात रक्त का पेशेंट बताता है। और ये जो है ना, भले ही ये कोष्ठक शीर्षक की संप्राप्ति वात रक्त के जैसी है लेकिन इसमें रात में भी वेदना होती है, दिन में भी वेदना होती है, संधियों में सतत वेदना होते रहती है उस जानु संधि में। उसके बाद का लक्षण है स्नेहन। आमवात के रुग्ण में स्नेहन किया तो लक्षण बढ़ते हैं, हम पूछते ना, क्योंकि पेशेंट जब आमवात के पास तुरंत आएगा ऐसा तो होना नहीं है, वो तो फाइल लेकर के आता साहब,
हम उसको पूछते मालिश किया था क्या, वो कई प्रकार की मालिश कर चुका रहता है और उससे उसकी तकलीफ बढ़ती है, ये पेशेंट को अनुभव आ जाता है, तुरंत अनुभव नहीं आता, कई दिनों के बाद उसको महसूस होता है अरे मालिश करने से तो बढ़ जाता है, घर वाले बोलते साहब मालिश किया तो वो अकड़ जाता है। और ये टिपिकल आमवात का लक्षण है कि स्नेहन से लक्षण बढ़ते हैं। संधिवात में स्नेहन से उपशय मिलता है रुग्ण को, ये पेशेंट मैंने बोला ना आपके पास तुरंत नहीं आता डॉक्टर के पास, ये हमेशा 3 साल से 4 साल से उसको संधिवात हुआ रहता है, घर में मालिश करते हैं, तेल लगाते रहते हैं, पानी की बॉटल लेकर सेकते रहते हैं, उसको अच्छा लगता है, फिर दर्द कम हो जाता, फिर कोई निमित्त आ जाता है, कहीं जाना आना हो गया, प्रवास हो गया, परिश्रम हो गया, फिर लक्षण बढ़ जाते, फिर दर्द का उसका घर का मालिश विलिश करना चालू कर देता है और उसको उपशम मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये लक्षण बढ़ते बढ़ते वो उत्कटासन असमर्थ हो जाता है, लैट्रिन को गया और बैठ नहीं सका, तो आपके पास उस पेशेंट ने आना ही है। ये उसका वैशिष्ट्य है कि घर में स्नेहन से उसको उपशम मिलता है। लेकिन वात रक्त का पेशेंट कैसा रहता है कि उसको स्नेहन करने से कोई विशेष फायदा नहीं होता। हम पूछते भाई तेल लगाया था, मालिश किया था, बढ़ता है क्या? नहीं साहब, बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है, तेल लगाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने लगाना बंद कर दिया, ये पेशेंट हमको बताते हैं। ये इसमें भी अविशेष कोष्ठक शीर्ष में भी स्नेहन से उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एज का यदि उल्लेख करें तो आने वाले पेशेंट के एज की तरफ हम ध्यान देते हैं, तो ये आमवात का पेशेंट किसी एनी एज किसी भी उम्र में किशोरावस्था में आएगा, तरुणावस्था में आएगा, प्रौढ़ावस्था में आएगा, किसी भी उम्र में ये आमवात का पेशेंट आपके पास आता ही है, लेकिन ये जो संधिवात वाला है प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था का ही आता है। तरुणावस्था का संधिवात व्याधि लेके आया ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 30-35 की उम्र का व्यक्ति आपके पास संधिवात लेके आता है, पर कब? यदि वो उसका व्यवसाय कैसा है, वो ठेला धकलने का काम करता है, पैदल चलने का ही उसका व्यवसाय है, कूली काम करता है, हमाली काम करता है, बहुत परिश्रम का काम करता है, उस कंडीशन में आपको कम उम्र का संधिवात का रुग्ण मिल सकता है। अदरवाइज हाँ, ये व्याधि हमेशा प्रौढ़ के बाद 40-45 के बाद ही आपको ये पेशेंट हमारे पास आएंगे। सुकुमार लिखा है वात रक्त में, किसी भी उम्र में वात रक्त होता है, और हमने पेशेंट देखे है किशोरावस्था के भी देखे है, प्रौढ़ावस्था के भी देखे है, तरुणावस्था के भी हमने वात रक्त के रुग्ण देखे है, कोष्ठक शीर्ष के भी हमने सभी पेशेंट देखे, 13-14 साल का लड़का भी हमने कोष्ठक शीर्ष का देखा है और 50 साल का व्यक्ति भी हमने कोष्ठक शीर्ष का देखा है, इसलिए मैंने एनी एज शब्द का प्रयोग किया है। कालावधि का यदि उल्लेख करें तो ये जीर्ण कालावधि रहती, कई दिनों से उनको आमवात रहता है, बड़ा तकलीफ देता है, पेशेंट को तो देता ही है, वैद्य को भी तकलीफ देता है। वो पेशेंट आपसे पूछता है साहब कितने दिन दवाई खाना पड़ेगा, इसका उत्तर आप नहीं दे सकते उसको, कितने दिन दवाई खाना पड़ेगा उत्तर नहीं दे सकते, जीर्ण अवस्था रहती, कई दिनों तक रहता है, ये भी संधिवात जीर्ण अवस्था रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, वेगावस्था रहती है, आपने चिकित्सा दिया उसको उपशम मिल जाता है, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाता है, चलना फिरना उत्कटासन समर्थ हो जाता है, लेकिन कोई भी थोड़ा सा निमित्त हुआ, थोड़ी सी चोट लग गई, ज्यादा प्रवास हो गया, थोड़ा सा भी निमित्त हेतु आ गया तो उस व्याधि के वेग पुनः आ जाते, पुनः संधि पेश होना शुरू हो जाएगा, वेदना शुरू हो जाएगी, चलते समय तकलीफ हो रही, मैं एक जगह ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, ये कंप्लेंट आपको वो बताएगा ही, वेट बेरिंग जॉइंट्स में वेदना शुरू हो जाती है। वात रक्त में अल्प कालावधि, ये जल्दी आते पेशेंट, क्योंकि इनको तकलीफ इतनी रहती है, रात भर उनके जो पर्व संधि या लघु संधि है उसमें ओष चोष दहा स्वरूप की जो वेदना रहती है ना, वो बेयर नहीं कर पाते, ये ज्यादा कालावधि की नहीं रहती, ये तुरंत आपके पास आते हैं। सेम कोष्ठक शीर्ष के पेशेंट भी हमारे पास जल्दी आते हैं, इसमें भी वेदना जो रहती है ना ओष चोष दहा स्वरूप की रहती है, मालिश करे तो भी कुछ नहीं होता है, सेक करा तो भी कुछ नहीं होता है, और चलने में बड़ी तकलीफ होती है, सीधा खड़ा नहीं रह सकता हूँ, ये पेशेंट भी जल्दी आपके पास आते हैं। उसके बाद पेशेंट जब आता है, हिस्ट्री में लेते हैं हम, हेतुओं की हिस्ट्री लेते हैं, तो आपको एक विशेष बात ध्यान में आएगी, आमवात के पेशेंट जो रहते हैं ना उसकी हिस्ट्री में आपको आहार हेतु ज्यादा मिलेंगे। आहार हेतु कैसे, भाई दही खाया था ना तो मेरा दर्द बढ़ गया,
मैंने केला खाया तो मेरा दर्द बढ़ गया, कोल्ड ड्रिंक लिया तो दर्द बढ़ गया, मैंने आइसक्रीम खाया तो दर्द बढ़ गया, पनीर खाया तो दर्द बढ़ता साहब मेरा। कुछ पेशेंट तो ऐसे भी आते सर कि वो अंडा खाया तो भी दर्द बढ़ता है, ऐसे बताने वाले पेशेंट मिलते, गुरुवार सेवन किया तो यानी दर्द बढ़ता है। आपको आश्चर्य बताऊंगा इसका मत के आहार हेतु में एक विशेष हमारे एक पेशेंट जो मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि हम कैसी गलती करते हैं, हम हेतु की हिस्ट्री लेते नहीं है। और गलती कैसी होते हैं कि एक पेशेंट था मेरे पास, वो अमेरिका से रिटर्न था, वापस इंडिया में आके सेटल हुआ था। वो आमवाद के पूरे लक्षण लेकर आया था, आमवाद है फाइल, इतनी बड़ी फाइल लेके आया था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पूरे दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशन उसमें, और उसको क्लियर कट हमारे हिसाब से आमवाद के लक्षण थे। पेशेंट की हिस्ट्री लिया, सब लिया, उसको चिकित्सा दिया हमने, बता दिया और पथ्य बताया, आहार कैसा लेना, लघु लेना, सादा खाना, बिल्कुल नहीं तेल की चीजें नहीं खाना, शीतल नहीं खाना, सब बताया, सब बताया, ठीक है सर। 21 दिन की दवा दिया, 21 दिन के बाद आया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ सर। बोले आपने तो बोला फायदा हो जाएगा, उसकी पूरी फिर से डिटेल हिस्ट्री लिया, कहाँ गड़बड़ होगी, कैसा खाना खाता है, क्या करता है, सुबह कितने बजे उठता है, सभी पूछा। सुबह उठे बराबर वो पानी पीता है क्या, ये करता है क्या, वो भी पूछा हमने, नहीं बोले सर। फिर से हमने वो थोड़ा चेंज करके दवा दिया उसको, अगले 21 दिन बाद फिर हाजिर था और कुछ भी उपशय नहीं। देखो हेतु का महत्व कैसा है, हम जो बोलते हैं ना निदान पंचक है तो हेतु का महत्व। उस पेशेंट का तीसरे टाइम फिर आधा घंटा लेके बैठे हम उसको, भाई गड़बड़ कहाँ हो रही है, चिकित्सा बरोबर दे रहे हैं, पथ्य बरोबर कर रहा है, सब उसको पूछा हमने, शुरू से लेके सुबह में कितने बजे उठता है, नाश्ता क्या करता है, दोपहर में खाना क्या खाता, हमारे हिसाब से तो सब बरोबर चल रहा था। सोता कब है, 10 बजे सोता हूँ। अच्छा सोते समय पानी वानी पीता है क्या, नहीं साहब बोले, मैं जब से अमेरिका में था ना तो मुझे क्या है, मैं सोते समय दूध पीता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, दूध पीते हो तो कैसे दूध पीते हो, तो नहीं बोले मेरी आदत है, मैं वो फ्रिज में से दूध निकालता हूँ और चिल्ड मिल्क पीने की आदत है, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। बोले सर बापरे, बोला चिल्ड मिल्क कितना पीते, एक गिलास दूध पीता हूँ। बोले हमने वहीं उसको पकड़ लिया, बोला ठीक है भैया ये कल से, आज तू आया है ना आज रात से, ये तेरा चिल्ड मिल्क बंद कर दे, उसके बाद देखते हैं क्या होता। आपको आश्चर्य लगेगा अगले 21 दिन के बाद जब आया तो उसके लक्षणों में उपशय था। एक सिर्फ हेतु था चिल्ड मिल्क पीने का हेतु, रात को सोते समय चिल्ड मिल्क पीता था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि आमवाद के हेतुओं में, आमवाद व्याधि में हेतुओं का कितना महत्व है, इसमें आहार हेतु का विशेष महत्व है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ ना कोल्ड कॉफी वाले ग्रुप बन गए हैं, ये आमवाद के हेतु है। मैं तो अभी जो भी आता है तो उनको पूछता हूँ कि भाई कोल्ड कॉफी लेते हो क्या, केला चाहिए, केला दही तो पूछते ही पूछते हैं, कोल्ड कॉफी भी पूछना, मैंने हम पूछते हैं कि भैया वो लेता है कि कहीं, वो तो हेतु नहीं है। संधिवात में विहार हेतु विशेष रहता है, इसमें आहार हेतु उतने कारण नहीं मिलेंगे। विहार हेतु कैसे मिलते हैं, वो प्रवास के लिए गया था, उसको घुटने पे चोट लग गई थी, मैं वो बैठक हो गई थी, बहुत तकलीफ का काम था, थोड़ी शादी थी, दौड़ धूप ज्यादा हो गया, ये कारण बताएगा आपको। संधिवात वाला जो रुग्ण है ना विहार हेतु पे ज्यादा हाईलाइट करेगा, आहार हेतु पे हाईलाइट नहीं करता। आमवात वाले रुग्ण में आहार हेतु आपको विशेष रूप से मिला दिखाई देंगे। वात रक्त में आपको दोनों चीजें मिलती हैं, वात रक्त के जो पेशेंट हमारे पास विशेष आते हैं ना, जो ट्रक ड्राइवर है ना, इसमें आहार हेतु और विहार हेतु जो टेक्स में उभय हेतु बताया ना, ये दोनों प्रकार के हेतु इसमें मिला दिखाई देते हैं। अपने टेक्स में क्या बताया कि वो गजा उष्ट्र पे प्रवास करता है, पैर लटकते हैं और फिर रक्त दुष्ट होने के लिए विधायी अन्नपान का सेवन करता है। सेम जो है ना ये ट्रक ड्राइवर करते हैं, उनके पैर लटकते रहते हैं, चार चार घंटे कंटिन्यूस गाड़ी चलाते हैं, फिर कहीं तो भी धावा आ गया, धाबे पे स्पाइसी फूड मसाला डाल के, तरी डाल के, मिर्ची का ठेचा लगा के तेज मसाले वाला खाना खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, विदाही आहार करते हैं, पैर लटका के सफर करते हैं, पैर के नीचे जो रहता है ट्रक में लटकते हुए रहते हैं, और वहां कितना शीत रहता है और कितना उष्ण रहता है आप समझ सकते हैं कि पैर लटकते रहते हैं ट्रक के पास, ट्रक में ड्राइविंग कर रहा है, वहां की गर्मी कितनी रहती है। ये आहार हेतु और विहार हेतु उस रुग्ण में विशेष मिलते हैं, यानी वात रक्त की यदि आप हिस्ट्री ले रहे हैं और पेशेंट आपका आया है तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए वो क्या करता है।
कोष्ठक शीर्ष में भी आहार हेतु विहार हेतु मिले हैं मुझे, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो कहीं तो भी प्रवास को जाते हैं, पैदल चलते हैं और रास्ते पे मिलने वाला आहार सेवन किया है, ये हिस्ट्री देते हैं। ये जो 9-8-9 लक्षण बताया, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत मददगार है। इसी के आधार पर हम उनका निदान करने की कोशिश करते हैं और कुछ लक्षण लोकल रहते हैं, स्थानिक। जैसे हमने संधि है, जिस संधि पे वेदना है और उस स्थान का अगर हम परीक्षण करें तो पहला लक्षण अगर शोथ के बारे में सोचें तो आमवात में शोथ मिलता ही है, संधियों में शोथ रहता है, पॉलीआर्थराइटिस रहता है, अनेक जॉइंट्स में रहता है, आपको शोथ मिलेगा। संधिवात में शोथ मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा, दोनों कंडीशन है। जब शुरुआत होगी तो शोथ मिलेगा, आपकी चिकित्सा दिया तो उपशय होता है, तो पहले शोथ ही कम होगा, उसके बाद वेदना कम होती, इसका वैशिष्ट्य है। और वातरक्त में शोफ शब्द मैंने उपयोग किया है, मंद शोफ रहता है, अंगुली के जो पर्व संधि है या पैरों के पर्व संधि है या जो मणिबंध है या गुल्फ संधि है, वहां ऐसी हल्की सूजन, शोफ शब्द का मैंने प्रयोग किया है। और कोष्ठक शीर्ष में यस, उस जानु संधि में शोफ रहता है, शोथ रहता है, ये उसमें रहता ही है। उसके बाद उस संधि का यदि हम स्पर्श करें, हाथ लगा के देखें, तो यहाँ उष्ण स्पर्श मिलता है आमवात में, यहाँ मिलता है और संधिवात में मिलता है आपको वात पूर्ण द्रुतिवत स्पर्श। ये वात पूर्ण द्रुतिवत स्पर्श क्या है मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है, जो हम ओपीडी लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स भी ये करते हैं और बताते हैं हमको। और इसमें वात रक्त में अविशेष, भाई हाथ लगाने के बाद शीत स्पर्श या उष्ण स्पर्श ऐसा कोई फीलिंग आती नहीं है, अविशेष रहता है। कोष्ठक शीर्ष में भी ऐसी कोई फीलिंग शीत उष्ण की नहीं आती है, अविशेष रहता है। स्पर्शा असत्व या टेडरनेस, उसको दबा के देखें या स्पर्श करें तो आमवात वाला पेशेंट एकदम आवाज दे देगा, सर दुख रहा, हाथ लगाने नहीं देगा, इस तरह की भावना रहती है। आपकी चिकित्सा के बाद यदि थोड़ा उपशय मिला तो आप उसको थोड़ा दबा सकते हैं तो पीड़न असत्व की तरफ जाएगा। ये ग्रेडेशन है आयुर्वेद में, जो शब्द प्रयोग किया है ना, स्पर्शा असत्व पीड़ना असत्व, ये पेन के ग्रेडेशन है, वेदनाओं का प्रमाण है कि आपका हाथ लगाने से वेदना हो रहा है तो वेदना का प्रमाण कितना है, और हाथ लगा सकते हैं और दबाने से वेदना हो रही है तो प्रमाण कम हुआ है, ये हमारे ग्रेडेशन है। तो ये आमवात में स्पर्श असत्व रहता है, संधिवात में नहीं रहता। आप संधि वो कितना भी वातपूर्ण द्रुति लेके आए, शोथ लेके आए, अच्छे से दबाइए, बात करते रहिए उसके साथ, जानू संधि को दबाते रहिए, उसको कोई वेदना, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदलते नहीं है, लेकिन इसमें बदलते हैं। वातरक्त में पीड़ना सत्व रहता है निश्चित, स्पर्श सत्व शब्द नहीं प्रयोग करूंगा मैं, लेकिन दबाने से उसको वेदना होती है। कोष्ठक शीर्ष में भी पीड़ना सत्व रहता है, इसमें स्पर्श सत्व रेयर नहीं मिलेगा, बट पीड़ना सत्व कोष्ठक शीर्ष में रहता ही है। अभी त्वचा पे वैवर्ण, उस संधि स्थान की जो त्वचा रहती है ना, इसमें आमवात के रुग्ण में स्किन कलरेशन में कोई चेंजेस नहीं रहता है, संधिवात में भी कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन वात रक्त में त्वचा आरवर्णीय रहती है। जो संधि में, जिस पर्व संधि में रक्त वर्ण आएगा या फिर कृष्ण वर्णीय काल, थोड़ा कृष्णाभ वर्ण उस पर आ जाता है, कोष्ठक शीर्ष में भी त्वक वैवर्ण और कृष्ण वर्ण का हो जाता है। उसके बाद एक्स में शब्द आया हंती संधि, संधिवाद का जो श्लोक है ना, हंती संधि गते अनिला शूला टोपो करो तिच्छ, हंती संधि यानी संधि का नाश, हंती संधि शब्द का अर्थ है संधि का नाश। अब रुग्ण तो चल आपको आया है, उसकी संधि तो दिख रही है, तो संधि का नाश शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो संधि का नाश यह शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है कि संधि का कार्य क्या है, अंकुचन और प्रसारण करना। अब जिस संधि में अंकुचन प्रसारण ही नहीं हो रहा है तो वो संधि नहीं है, वो तो स्ट्रेट हो गया पैर, इसलिए उसको शब्द प्रयोग किया आयुर्वेद में, संधि हंती संधि शब्द प्रयोग किया है। तो ये हंती संधि शब्द जो है ना संधिवात में आया है, ये इसमें रहता है,
संधि बात में रहता है, अंति संधि, उसमें आप संधि का संकोच नहीं कर सकते हैं। इवन उसके संधि बाहर बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है उस रुग्ण की, आप जिसको कई सालों से जानते हैं, आप देखोगे कि उस रुग्ण की हाइट कम हो रही क्या, ये फीलिंग आपको आने लगेगी। और वो जेनुवेरम शब्द मॉडर्न ने प्रयोग किया है अपने टेक्स्ट में, आयुर्वेद में अंति संधि शब्द प्रयोग किया है। लेकिन ये आमवाद में संधि नाश रहता है बट उसमें जेनुवेरम नहीं रहता है। मैं आगे पिक्चर फोटोग्राफ दिखाया हूँ जेनुवेरम का, ये इसमें संधि संकोच रहता है, पैर एकदम सिकुड़ जाता है, जो भी संधि होगा संधियां एकदम सिकुड़ जाती है, उसका प्रसार करने जाएंगे तो आपको प्रसार नहीं कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये जो वात रक्त है इसमें इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, इसके आखिरी की अवस्था में बताया है संधि वक्रता, लेकिन शुरुआत में ही रुग्ण आया तो ये सब नहीं रहता है। कोष्ठक शीर्ष में तो क्लियर कट उसका निदान ही किया है कि कोष्ठक शीर्षवत उस संधि में एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी आ जाती है, उसका रचना बिगड़ जाती है, उसका स्वरूप ही बिगड़ जाता है, लोमड़ी के सिर के जैसा वो संधि दिखाई देता है, जानु संधि, तो उसमें वो कोष्ठक शीर्षवत रहता है। संकोच और वो अंति संधि शब्द प्रयोग करिए क्या करिए, बट वो उसका आकार इस तरह से दिखाई देता, ये भी फोल्ड नहीं कर सकता है, इसमें भी संकोच और प्रसार करना बड़ा मुश्किल रहता है कोष्ठक शीर्ष में। उसके बाद ये आटोप है, संधि आटोप शब्द है, लोकल अप्लीकेशन करते हैं ना, अच्छा संधि को अंकुचन प्रसारण करके देखे या मूवमेंट करके देखे, या पेशेंट आपके पास आया है तो आप पूछते हैं भाई उठते बैठते समय घुटनों में से आवाज आती है क्या, वो बोलते हैं साफ कटकट आवाज आती है, कटकट शब्द वो वापरते हैं, क्रिपिटेशन उसको आते हैं, लेकिन आमवाद का रुग्ण आपको नहीं बताएगा, नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं होता है। और ये तो हम खास बोलेंगे ये तो सर कई दिनों से आती है, संधि आटोप संधिवात में स्पष्ट टेक्स्ट में भी दिया है और पेशेंट भी बताता है, और आप एग्जामिनेशन करके देखोगे तो आपको भी सुनाई देगा। ये वात रक्त में संधि आटोप नहीं रहता है, कोष्ठक शीर्ष में भी संधि आटोप नहीं रहता है, लेकिन वात रक्त में संधि आटोप के बदले में एक शब्द प्रयोग होता है अंगुली स्फोटन, ये अंगुलियों को मोड़ करके हम ना खटखट आवाज निकालते हैं, ये आवाज उस रुग्ण में हम नहीं कर सकते, अंगुली स्फोटन नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्व संधियों में शोथ है वेदना है, तो अंगुली स्फोटन हम उस रुग्ण में ये हम नहीं कर सकते हैं। सब हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस में यानी लोकल स्थानिक एग्जामिनेशन लोकल एग्जामिनेशन और ये सब करके हम एक निश्चित निदान की तरफ बढ़ सकते हैं और ये हम रेगुलर करते हैं। इसके आगे मैंने ये फोटोग्राफ दिखाया है, देखिए ये हंति संधि इस रुग्ण के दोनों संधि ऐसी बाहर की तरफ आ गए हैं, और इस रुग्ण में लेफ्ट साइड का संधि देखिए और ये राइट साइड का सीधा है, लेफ्ट का संधि बाहर आ गया है, ये है जेनुवेरम है, ये जेनुवेरम है, इसको मैं संधि हंति संधि शब्द प्रयोग करता हूँ, जो संधि का नाश है, इसको आप फोल्ड कर ही नहीं सकते, इसको तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो ये हंति संधि है, संधि का नाश हुआ है। अभी एक शब्द प्रयोग किया था वातपूर्ण द्रुतिवत स्पर्श, द्रुति मीन्स ये द्रुति शब्द है कि चमड़े की बैग सिला ली जाए और उसमें हवा भर दी जाए, और हवा भरने के बाद उसको हम यदि एक बाजू से दबाए तो किस प्रकार की फीलिंग आती है, ये एक तरफ से दबाओ तो दूसरा हाथ ऊपर उठता है, उधर से दबाओ तो उधर होता है, ये रहता है वातपूर्ण द्रुतिवत स्पर्श। और सेम फीलिंग ये जानु संधि में आती है, आप जानु संधि के रुग्ण को एक बाजू से दबाई तो आपका अंगुली दूसरे हाथ का ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, एयर प्रेशर उधर जाता है, इधर से एयर प्रेशर इधर आता है, ये है वातपूर्ण द्रुतिवत स्पर्श। ये आपके पेशेंट में हमारे संधिवात के पेशेंट में सभी बच्चे हमारे ओपीडी लेवल पे ही बताते सर इसको वातपूर्ण द्रुतिवत स्पर्श है इसको नहीं है, यानी उस आधार पर ही हम लोग उसका निदान का ये एग्जामिनेशन करते हैं। सॉरी उसके बाद ये है संधि संकोच, ये आमवाद के रुग्ण का है संधि संकोच, ये दोनों संधि फोल्ड हो गए, अब इस रुग्ण का हम प्रसार नहीं कर सकते, प्रसार करने जाएंगे तो तीव्र वेदना होती है, ये आमवाद का टिपिकल लक्षण है संधि संकोच। और ये आगे की जो स्लाइड है इसमें दो पेशेंट है हमारे वार्ड की, ये है एक, ये पेशेंट को आमवात हुआ है जानु संधि का संकोच हो चुका है इसका, और ये पेशेंट संधिवात की है, इसका पैर सीधा है
अस्थि संधि है, इसका इसको हम संकोच नहीं कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रुग्ण का ये स्पेस जो रहता है ना, ये जॉइंट नी जॉइंट के पीछे से और रिकेबॉइड के बीच का डिस्टेंस बढ़ते पढ़ते जाता है संकोच में। अगर वो पैर सीधा होने लगा तो वो डिस्टेंस कम होने लगता है, ये हम चेक करते रहते हैं। तो इस ये रुग्ण को तो हमने जानुसंधि का ट्रैक्शन दिया था संकोच ठीक करने के लिए, विरामावस्था में आ गई थी, ज्वर निकल गया था, तो उसका पैर सीधा करने के लिए हमने उसको ट्रैक्शन दिया था, उसको संकोच दूर करने के लिए। और ये पेशेंट संधिवात की है, देखिए इसका संधि का यदि हम संकोच कर रहे हैं तो उसको वेदना हो रही है। यानी दो क्लिनिकली तो तुरंत हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आमवात की डिफॉर्मिटी है या संधिवात की डिफॉर्मिटी है। यानी वेदना कब हो रही है, संकोच करते समय हो रही है या प्रसार करते समय हो रही है, ये हम पेशेंट के ऊपर से बता सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट इसके पर ये एक्सरे में दिखाया है मैंने, ये संधिवात का एक्सरे है, जो हंती संधि हुआ ना उनका एक्सरे है, ये जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाता है। आपको इसका एक्सरे में डिजेनरेटिव चेंजेस लिख के आएगा, वो ये चेंजेस दिखाई लिख के आएगा जिसमें ये स्पेस रिड्यूस हो जाती है। इस तरह से आपको ऑस्टियोफाइट्स दिखाई देते हैं और पेशेंट का ये जो टिबिया बोन है बाजू बाजू में सरक रहा है, इसमें भी बाजू सरक रहा है, इसमें बाजू सरक रहा है, फाइंडिंग्स लिखा रहता है सबलक्सेशन, यानी सबलक्सेशन हुआ है, इट मींस हमारे हिसाब से उसमें संधि हंती संधि हो गया है, पैर जानु संधि बाहर बाहर की ओर खींचते जाते हैं। यानी आप जिस रुग्ण को पहले से जानते हैं आप देखोगे कि आपको फील होगा उसकी हाइट कम हो रही क्या, इस तरह की फीलिंग आपको आने लगेगी, इस तरह के फाइंडिंग्स है। अभी ये इतने लेवल पे हम ओपीडी लेवल पर हम पूरा इन्वेस्ट उस रुग्ण का डायग्नोसिस करते हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देने का कोशिश करते हैं और रेगुलर जो हम ट्रीटमेंट देते हैं मैं आगे उसके बारे में बता रहा हूं। अभी सबसे पहले मैंने लिया है संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोरिलेट करते, इसके ऊपर कई वर्क हो चुका है। संधिवात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें कोई ये नहीं, इस पे वाद का मुद्दा नहीं है, ये इसमें मैंने ये इसकी चिकित्सा देखो, मैंने चार गोगुल एक साथ लिखे हैं, कैशोर गोगुल, त्रिफला गोगुल, पुनर्नवादी गोगुल और योगराज गोगुल। हम जो भी औषध हमारे ओपीडी या आईपीडी में पेशेंट्स को देते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95% शास्त्रीय औषधियों का प्रयोग करते हैं मैक्सिमम। अब ये चार गोगुल हमने क्यों लिखे, ये कंडीशन है, संधिवात का रुग्ण आपके पास आया निश्चित उसका संधिवात निदान पक्का हो गया है, उसको चिकित्सा देना है, तो कौन से गुगुल का प्रयोग करना चाहिए इसमें भी कंडीशन है। अब सबसे पहले कैशोर गुगुल में का उल्लेख करूंगा, सबसे पहले संधिवात का रुग्ण है उसको कोई प्रकार की दूसरी तकलीफ नहीं है तो मैं उसको दूंगा कैशोर गुगुल 10 ग्राम में, महावात विध्वंस रस 20 गोलियां, गुड़वेल सत्व 10 ग्राम और चोपचिनियादि चूर्ण 50 ग्राम, ये चारों मिला के उसकी 42 पुड़ी बनाते हम और सुबह में एक पूरी खाली पेट और शाम में एक पूरी खाली पेट दूध के साथ लेने के लिए बोलते भाई आधा कप दूध में घोल के पीना है, साथ में महाराष्ट्रादि क्वाथ देते हैं और पुनर्नवासो दे देते हैं। अभ्यंग करने के लिए बोलते हैं, वार्ड का पेशेंट है या ओपीडी में रेगुलर आ करके हमारे यहाँ मालिश करवा सकता है तो हम उसको स्नेहन करवाते हैं। टू बी वेरी फ्रेंक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम काम करते हैं तो हमारे यहाँ तिल तेल का ही अभ्यंग होता है, कोई मेडिकेटेड ऑयल बुलाना कॉस्टली ये वो, यहाँ 100 पेशेंट की जहां मालिश रोज होती है उसके लिए उतना तेल तो नहीं बुला सकते लेकिन तिल तेल ड्रम से आते हैं और उस तिल तेल का ही उपयोग हम स्नेहन में करते हैं। पेशेंट को निश्चित सिर्फ तिल तेल से भी फायदा होता है और स्वेदन के लिए बाष्प स्वेद में हम नाड़ी स्वेद विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, कुकर लगा हुआ रहता है, पेशेंट के अभ्यंग हो गया कि नाड़ी स्वेद ले लेता है और घर चला जाता है और जो नहीं यहाँ आ सकता है वो घर में करता है, हम उसको बोलते हैं कि भैया ये द्रव्य गर्म करना और उसके ऊपर मालिश करके परिषेक करना, ये इस तरह से हम करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कैशोर गोगुल में मेरे मार्गदर्शक गुरु जो थे डॉक्टर शेलोटे सर उनका कहना था भाई आप वात व्याधि ले रहे हैं तो कैशोर, मैं पूछता था सर कैशोर गोगुल और चोपचिनी क्यों सिलेक्ट करते हैं, तो सर का ये कहना था शेलोटे सर का कि वात व्याधि लिए तो इसमें आपको रक्त दुष्य रहता ही है, इस दुष्य को ठीक करना भी जरूरी है, इसलिए कैशोर गोगुल और चोपचिनी चूर्ण को प्रयोग में करते हैं। अभी सेकंड कंडीशन है पेशेंट आपके पास आया है संधिवात का लेकिन उसे विबंध है, आपको मिलेंगे बहुत पेशेंट मिलेंगे
संधिवात का है और कॉन्स्टिपेशन कठिन ग्रथित मल प्रवृत्ति होती है उस कंडीशन में हम त्रिफला गोकुल 10 ग्राम सिलेक्ट करते हैं, उसमें महावात विध्वंस रस 20 गोली, गुड़वेल सत्व 10 ग्राम और चूर्ण मिलाते हैं त्रिफला का 50 ग्राम। इसमें चोपचिनी नहीं मिलाएंगे, त्रिफला गोकुल के साथ त्रिफला चूर्ण ही मिलाते, इसकी 42 पुड़ी बनाते, सुबह में एक पुड़ी, शाम में एक पुड़ी पानी के साथ देते, महाराष्ट्र आदि क्वाद देंगे, उसके साथ हम अभयारिष्ट देंगे। देखो ध्यान रखिए, यानी एक एक औषधियां ऐसी कि एक दूसरे को सपोर्ट करे। रुग्ण का, हमारा तो इतना अनुभव है, रुग्ण का विबंध दूर हुआ तो संधि शुल्क कम होता है, यानी ये हमारा एक्सपीरियंस है कि त्रिफला गोकुल और त्रिफला चूर्ण और अभयारिष्ट आदि के साथ दो तो रुग्ण को मल प्रवृत्ति नियमित होने लगी तो उसका संधि शुल्क, संधिवात जिसको हमने निदान किया था वो ठीक होने लगता है। और एक तीसरी कंडीशन रहती है, यदि पेशेंट है संधिवात का, उसको शोथ बहुत अधिक है, जो वातपूर्ण द्रुतिवात स्पर्श बता रहा था ना, वो अगर अधिक प्रमाण में है तो उस समय हम पुनर्नवादी गोकुल का सिलेक्शन करते हैं, साथ में महावात विध्वंस रस देते हैं, गुड़वेल सत्व, और इस कंडीशन में भी हम त्रिफला चूर्ण सिलेक्ट करते हैं और उसकी 42 पुड़ी बना के सुबह शाम एक एक पानी के साथ देते हैं, साथ में महाराष्ट्र कवाथ और पुनर्नवास देंगे। यहाँ अभ्यारिष्ट नहीं देते हम, ये दो चीजें देते हैं, स्नेहन और स्वेदन तो कॉमन है, ये तो देना ही है, संधिवात का पेशेंट है वो तो देना ही है। और चौथी कंडीशन मैंने लिखा है, एक कंडीशन ऐसी रहती है जो वृद्ध लोग आते हैं ना, संधिवात वाले डिजेनरेटिव चेंजेस रहते हैं उसमें, और वो पांडुत्व लक्षण रहता है उनको, पांडु लक्षण रहता है, पांडुत्व लक्षण रहता है, तो उस कंडीशन में संधिशूल को कम, संधिवात को कम करने के लिए हम योगराज गोकुल का सिलेक्शन करते हैं 10 ग्राम, महावात विध्वंस रस 20 गोली, गुड़वेल सत्व 10 ग्राम और शतावरी चूर्ण डालते हैं हम उसमें 50 ग्राम। ये कॉम्बिनेशन बना के उसकी 42 पुड़ी सुबह शाम एक एक दूध के साथ देते हैं, यानी जब चोपचिनी चूर्ण और शतावरी चूर्ण का प्रयोग किया अनुपान दूध देते हैं, जब त्रिफला चूर्ण यूज किया तब हाँ अनुपान पोषण जल देते हैं, और ये महाराष्ट्र नदी पुनर्नवास और स्नेह स्वेदन इस रुग्ण में चलेगा ही चलेगा। ये कंडीशन है कि संधिवात का रुग्ण आया है, निदान निश्चित है संधिवात है, लेकिन गोकुल का सिलेक्शन योगवाही है, गोकुल सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है गोकुल, पर उस गोकुल में वो कौन सी दवाइयों के साथ शरीर में भेजना है, ये ग्रंथकारों ने बहुत अच्छी से अध्ययन किया था, उसके आधार पर ही गोकुल के कई प्रकार बनाए हैं और उसको सिलेक्शन फिर हमको हमारी युक्ति से करना है। उसके बाद ये वात रक्त व्याधि का मैं उल्लेख किया हूं, मैं गाउट का जिससे कोरिलेशन करते हैं, गाउट का कोरिलेशन करते हैं जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। इसमें बहुत सिंपल है, कैशोर गोकुल यूज करते हैं 10 ग्राम, महावात विध्वंस रस 20 गोली, गुड़वेल सत्व 10 ग्राम और चूर्ण लेते समय सारीवा चूर्ण या अनंत मूल चूर्ण बाजार में मिलता है 50 ग्राम मिलाकर 42 पुड़ी सुबह शाम उष्ण जल से देते हैं, आसव और इष्ट देते समय सारीवाद्यासव और पुनर्नवासव देते हैं। लेकिन अगर उसको ज्वर है, जो बोल रहा था ना 99-100 मंद ज्वर रहता है, उस कंडीशन में सारीवाद्यासव के साथ अमृतारिष्ट का प्रयोग हम करते हैं, इसमें एक बहुत मिरेकुलस रिजल्ट लाता है दशांग लेप। आपका जिस संधियों में ओष चोष दाह है उसको रात को यदि दशांग लेप लगा के रुग्ण सोता है तो वो दूसरे दिन आपको बोलेंगे साहब रात को मैं सो सका, मैं 2 घंटे सोया, मैं 3 घंटे सोया, ये नेक्स्ट डे बताता है, इतने रिजल्ट है इस दशांग लेप के। और दशांग लेप लगाने की एक विधि है, बाजार में मिलेगा या हमारे हॉस्पिटल में आता है तो पाउडर आता है, इसको पानी मिला के थोड़ा गर्म करके चिक्की जैसा बना लिए और बनाने के बाद जब गर्म रहता उसमें घी मिलाना अत्यंत आवश्यक है, बिना घी के दशांग लेप लगाओगे कोई फायदा नहीं होगा। आप उसमें 2 चम्मच 1 चम्मच कंडीशन कि उसका कितने प्रमाण में लगाना है, अंगुली एक अंगुली 2-4 अंगुली है, गुल्फसंधि है या मणिबंध भी है, वो डिपेंड करता है कि लेप आप कितना बना रहे, तो उसमें 1 चम्मच मिलाना है 2 चम्मच मिलाना ये आप भी डिसाइड कर सकते हैं। ये मिला के उसको लेप लगा दीजिए रात भर, सुबह में आपको पेशेंट पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उसी तरह आपको पेशेंट को बिजी रखना है या उसको सही में वेदना ज्यादा है तो वासा पंचांग परिषेक देते हैं, बाजार में मिलता है, या फिर अब हम हॉस्पिटल में है तो हमारे यहाँ वासा के झाड़ है, उसके पत्ते तोड़ के लाते हैं, उसका पांड बनाते हैं और उसकी धारा देते हैं, परिषेक करते हैं।
या फिर वर्षा अवेलेबल नहीं मिला तो गुड़ूची पंचांग मिल जाता बाजार में, उसका परिचय करते हैं। ये इस तरह से हम इसकी हम चिकित्सा करते हैं वात रक्त की। सेम वे जैसे मैंने बताया वात रक्त और कोष्ठक शीर्षक की संप्राप्ति एक ही, केवल वेदना अधिक है इसलिए उसका वर्णन शुश्रूषा में बोला, मधुकोष टीकाकार ने बोला है कि इसमें वेदना अधिक है इसलिए शुश्रूषा संहिता में इसका वर्णन वात व्याधि के अंतर्गत किया है, लेकिन वात रक्त और कोष्ठक शीर्षक की संप्राप्ति एक है, सिर्फ स्थान का फर्क है। इसमें हम ये चारों एक जैसी चिकित्सा देते हैं, लेकिन हमारा एक अनुभव है ये जो इसको हम कोरिलेट करते हैं ना इन्फेक्टिव आर्थराइटिस से, ये कोष्ठक शीर्षक के जो हमने पेशेंट देखे जिसको डायग्नोसिस हम क्लिनिकली करते हैं कि भाई उसका संधि का जानु संधि का आकार बिगड़ गया है, लोमड़ी के सिर के जैसा हो गया है, बट कुछ जो पेशेंट हमने एडमिट किए थे उनको इन्फेक्टिव आर्थराइटिस था और उसके जॉइंट में भी एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी हो गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए उनका डायग्नोसिस फाइल ही लेके आते, डायरेक्ट डायरेक्ट तो कोई आता नहीं, फाइल लेके आते हैं और उसमें उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोसिस किया है, इस तरह की कंडीशन रहती है। पर ये जो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस से जो मैंने क्वेरी करके रखा है उसमें हम जब ये जलोकावचरण करते हैं ना तो पेशेंट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जलोकावचरण अल्टरनेट डे सेटिंग करो, एक दिन दो तीन जलोका उस जानु संधि पे लगाइए, एक दिन के गैप दीजिए और एक दिन के बाद फिर जलोकावचरण करिए, देखिए आपको मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे इस कोष्ठक शीर्षक में। यानी ये हमारा प्रैक्टिकली रेगुलर हमारे हॉस्पिटल में ये होते रहता है। इसके बाद का जो व्याधि है आमवा या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें भी कंडीशंस है, जैसे मैंने संधिवात में कंडीशंस बताई थी तो आमवात में भी कंडीशंस रहती है चिकित्सा करते समय। अभी ये पहला एक कंडीशन हमने ट्रीटमेंट लिखी है आमवात का रुग्ण है, यदि उसको ज्वर है, ज्वर वाला तो रहेगा ही आमवात है, तब हम रासनादि को गुल सिलेक्ट करते हैं 10 ग्राम, आमवातारी रस 10 ग्राम, गुड़वेल सत्व 10 ग्राम और शुंठी चूर्ण 50 ग्राम, इसकी 42 पुड़ी बनाते हैं, सुबह में एक पुड़ी शाम में एक पुड़ी पानी से कोष्ठ जल से देते हैं, महारासनादि क्वाथ के साथ फिर अमृतारिष्ट 2 बार दिन में देते हैं। लोकल एप्लीकेशन में शुंठी लेप महत्व का है, शुंठी लेप लगाइए, कनक लेप अवेलेबल रहा तो कनक लेप प्राय अभी बाजार में मिलना, हमारे यहाँ नागपुर में तो भी मिलना बंद हुआ है, कनक लेप मिलता नहीं, पहले हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सप्लाई रहता था लेकिन वो क्या हो गया है अभी कनक लेप मिलना मुश्किल हो गया है, तो भाई हम शुंठी लेप ही लगाना लगाते हैं रुग्णों को। और वृक्ष स्वेद में वालुका स्वेद का ही सिलेक्ट करते हैं, वो इसलिए कि एक बार आपने रेती गर्म कर लिए कॉटन के कपड़े में बांध लिए तो 1 घंटे तक तो ठंडी होती नहीं, पेशेंट को बोल देते दोनों घुटने के बीच में रख दे या दो जहां जॉइंट है उसके दो के बीच में रख दे, ऊपर से पूरा में स्वेद हो जाएगा, यानी ये पेशेंट को अच्छा फीलिंग है और किसी प्रकार की दुर्घटना होने का डर नहीं रहता है। क्योंकि कई पेशेंट बोलते हैं साहब वो इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रो बैग आती है उससे सेकू क्या, उससे सेकू क्या, हम बोलते भैया वो छेड़छाड़ वाला झंझट मत रख, तू खुद तो कर नहीं सकता, आमवात का रुग्ण है ज्यादा मूवमेंट कर नहीं सकता है, अब एक बार रेती गर्म दिया तो जो उसका सहायक रहता है परिचारक रहता है उसको भी थोड़ी फुर्सत रहती, एक तरफ रख दिया वो फ्री हो जाता, आधे घंटे के बाद उठा के दूसरी तरफ रख देता है, 1 घंटे तक तो रहती, इसलिए हम वालू का स्वेद विशेष रूप से सिलेक्ट करते। ये दूसरी कंडीशन लिखी है मैंने आमवात में, अगर उसका ज्वर निकल गया है तब हम सिंहनाद गुगुल 10 ग्राम, महावात विध्वंस रस 20 गोली, गुड़वेल सत्व 10 ग्राम, सुंठी चूर्ण 50 ग्राम, ये कॉम्बिनेशन वापरते हैं, इसकी 42 पुड़ी बनाते हैं, सुबह शाम एक एक पुड़ी कोष्ठ जल के साथ देते हैं, इसको महारासनादि क्वाथ के साथ पुनर्नवास देते हैं, सुंठी लेप वही लगाते हैं, वृक्ष स्वेद वही देते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और हम करते, ज्वर निकल गया ना तब उस रुग्ण को सुंठी सिद्ध क्वाथ और एरंड तेल रोज देते हैं, हम लोग सुबह के समय प्रीफर करते हैं, कुछ लोग शाम काल में देते हैं, सुंठी का काढ़ा बना के उसमें एरंड तेल 1 चम्मच 2 चम्मच डिपेंड करता है उसको देते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी मिले हैं कि वो तेल देख के ही उनको नौशिया उल्टी होने लगती है, तो ठीक है भाई हम उस समय क्या करते हैं कि जो चपाती बनती है 2 चपाती का आटा ले लेते हैं और उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच एरंड तेल डाल देते हैं, मोहन करके, मोहन शब्द प्रयोग होता है, और पानी मिला के आटा गूंथ लिए और उसकी चपाती बना दिए, यानी उसके शरीर उसको वो चपाती खाने देते हैं, उसके शरीर में एरंड तेल जाना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। कई जो ज्वर नहीं है और आमवात बहुत जीर्ण अवस्था में आते हैं उस समय हम ये रासना द्वादश काढ़ा देते हैं,
यानी रासना द्वादश के द्रव्य हम उनको लिख के देते हैं। उसमें रासना द्वादश में रासना पंचक के पांच द्रव्य है, रासना, गुरुचि, एरंडा, देवदारु, सौंफ, और फिर उसमें दो मिला दो तो रासना सप्तक हो जाता है, गोकुरु पुनर्नवा मिला दिया तो रासना सप्तक हो जाता है। फिर पांच द्रव्य और है, उसमें एक कुटकी है, एक यष्टि मधु है और एक नीम छाल, ये दस हो गए, और उसमें दो रसायन द्रव्य है, शतावरी, अश्वगंधा। ये रासना द्वारा है, सम प्रमाण में हम समझो 30-30 ग्राम बुला लिए, सब मिला करके हम भरण बना के रख देते हैं, उसके 30 पुड़के बना, 30 दिन का बना लेते हैं। रोज सुबह 8 कप पानी, उसमें एक पुड़ी मिला देते हैं और 2 घंटे के बाद उसको उबालने के लिए रख देते हैं स्लो गैस पे। 8 कप का एक कप बनने तक उबालते हैं और उसको छान करके पीने के लिए देते हैं। अब जिस रुग्ण को हमने रासना द्वादश चालू किया ना, उसको फिर ये सुंठी सिद्ध क्वाथ एरंड तेल ऐसा नहीं देते हैं, हम उस रुग्ण को रासना द्वादश में ही एरंड तेल मिला के पीने के लिए दे देते हैं, अलग से सुंठी सिद्ध काढ़ा देने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये ज्वर नहीं है उस कंडीशन की चिकित्सा है। और आमवात के पेशेंट की जीर्ण अवस्था रहती है और वो ज्वरानुबंधी रहती है, कई दिन हो गए ज्वर उतरता ही नहीं है, तो उसकी शुरुआत करते समय हम लघु मालिनी वसंत चिकित्सा देने के पहले, गुग्गुल देने के पहले लघु मालिनी वसंत 10 ग्राम, गोधन की भस्म 10 ग्राम, गुड़वेल सत्व 10 ग्राम, सीतोपलादि चूर्ण 30 ग्राम, ये कॉम्बिनेशन की 32 पुड़ी बना लेते हैं, सुबह शाम दूध के साथ देते हैं, साथ में अमृतारिष्ट, और हमारे यहाँ एक जीर्ण ज्वरांतक काढ़ा मिलता है पाठक फार्मेसी का, इसका हम प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। और इसके प्रयोग से 16 दिन में अगर उसका ज्वर कम हो गया तो फिर गुग्गुल वाली चिकित्सा हम इस कंडीशन, इस आमवात के रुग्णों को शुरू कर देते हैं। इसके बाद आमवात के रुग्ण में जब हिस्ट्री लेते हैं तो पोस्ट अम्यूबिक आर्थराइटिस या प्रवाहिकोत्तर आमवास शब्द प्रयोग हमारे सर करते थे, शेलोटी सर बोलते थे, कोडवानी सर, इसको तो प्रवाहिका की हिस्ट्री है, पेशेंट हिस्ट्री देता है, संधि शूल कब शुरू हुआ है, तो पहले लूज मोशन हो गए थे, द्रवमल प्रवृत्ति हुई थी, या पेट में मरोड़ मार के मल प्रवृत्ति हुई थी, या बार बार ऐसा होते रहता है, प्रवाहिका की हिस्ट्री देगा या अतिसार की हिस्ट्री देगा, तब उस कंडीशन को हम प्रवाहिकोत्तर आमवास निदान करते हैं। इसमें मिरेकुलस रिजल्ट आते हैं, आप अगर रासलादि गुग्गुल के साथ 10 ग्राम और संजीवनी वटी 10 ग्राम मिला दीजिए, गुड़वेल सत्व 10 ग्राम, सुंठी चूर्ण 50 ग्राम, ये कॉम्बिनेशन देकर देखिए, आपको मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे अगर वो पोस्ट अमीबिक आर्थराइटिस है। साथ में महारासनादि क्वाथ पुनर्नवास हो तो देना ही है, सुंठी लेप लगाना ही है, वालुका स्वेद देना ही है। और अभी जो आते हैं आजकल ना ये डायबिटिक आर्थराइटिस वाले, आमवात के जैसे लक्षण रहते हैं उनमें, पर डायबिटीज रहता है, लॉन्ग हिस्ट्री रहती मधुमेह की, और साथ में संधि शूल लेकर आता है, मॉडर्न वाले उसको डायबिटिक आर्थराइटिस लिख देते हैं हम लोग हमारे हिसाब से, क्योंकि उसमें आमवात के लक्षण मिलते जुलते रहते हैं, तब हम उसको संधिवात निदान न करते हुए डायबिटिक आर्थराइटिस आमवात के जैसी चिकित्सा देते हैं। पर गुग्गुल का सिलेक्ट करते समय मधुमेह को भूलते नहीं है, डायबिटिक को नहीं भूलते, हम लेखन द्रव्य का ही त्रिफला गुग्गुल का ही सिलेक्ट करते हैं, महावात विध्वंस देते हैं, गुड़वेल सत्व डालते हैं, उसमें चूर्ण मिलाते समय हरित की चूर्ण का ही प्रयोग करेंगे कि लेखन होगा। और कंडीशन है नहीं, वेदना का प्रमाण ज्यादा है, शोथ थोड़ा ज्यादा है, तब उस कंडीशन में सुंठी चूर्ण का प्रयोग हम 50 ग्राम मिला करके इसकी 42 पूड़ी बनाते हैं और सुबह शाम देते हैं। अभी ये डायबिटिक है, मधुमेह है, तो उसको आसव वरिष्ठ हम वर्ज्य रखते हैं, क्योंकि उसमें गुड़ मिलाया हुआ है, मधुर है, मीठा रहता ही है, तो इस कंडीशन में हम उसको रासना सप्तक को रोज बना के देते हैं। रासना सप्तक के द्रव्य जब मैंने बताई थे कि रासना, गुरुचि, एरंडा, देवदारु, सुंठ, गोकुरु और पुनर्नवा, ये समान प्रमाण में 50-50 ग्राम बुला लिए, मिक्स करके रख दिए, 30 पुड़के बना के, सुबह 8 कप पानी, एक पुड़ी मिला दिए, उबाल के एक कप बना लिए, ये रोज बना के उसको रासना सप्तक वाद पिलाते हैं। ये बाकी वो सुंठी लेप लगाना है, वालू का स्वेद देना है, ये होगा ही होगा, ये डायबिटिक आर्थराइटिस है ना, आमवात के जैसे लक्षण रहते हैं, बट उसमें भी वेरिएशन रहता है, प्रवाहिका की हिस्ट्री क्या, ज्वर बहुत अधिक है क्या, मधुमेह है उसको है क्या, ये कंडीशंस उसमें देखना ही पड़ता है चिकित्सा करते समय। उसके बाद और सबसे जो तकलीफ देता है डॉक्टर को, सोरियाटिक आर्थराइटिस, ये भी आमवात के जैसे लक्षण लेके आते हैं, लेकिन ये आपसे बहुत जल्दी ठीक होगा तो किस्मत वाला है कि आपसे जल्दी ठीक हुआ हो। ये इसमें
पेशेंट में दो कंडीशन रहती है, पहला तो उसमें ज्वर रहेगा या ज्वर नहीं रहेगा। ज्वर रहेगा तो तीव्र रहता है, बड़ी तकलीफ देता है ये पेशेंट। इसमें कैशोर गुगुल 10 ग्राम मिलाते हैं, मावा तिधोन सरस 20 गोली, गुड़वेल सत्व और चोपचिन आदि चूर्णा 50 ग्राम, ये कॉम्बिनेशन 42 पुड़ी सुबह शाम एक एक महाराष्ट्राधिकवाद और पुनर्नवासक, और इसको रक्त मोक्षण शिरावेद करते हैं हम लोग। कंडीशन है ज्वर नहीं रहा तो हम रक्त मोक्षण करते हैं शिरावेद, इसमें जलोपचारण नहीं करते क्योंकि पॉलीआर्थराइटिस रहता है, कई जॉइंट्स उसमें अफेक्टेड रहते हैं, पर्वत संधि भी रहते हैं, छोटे संधि भी रहते हैं। और अगर इसमें ज्वर नहीं है, क्या चीज, हेलो, अगर इसमें ज्वर इस रुग्ण में अगर ज्वर है तो हम वो पहले जो मैंने एक फार्मूला बताया था लघुमालिनी वसंत वाला आमवाद का, उसमें लघुमालिनी वसंत बोधंती भस्म गुड़वेल सत्व 10 ग्राम सीतोफल आदि 30 ग्राम, ये 32 कुड़ी बना के ये हम अमृतारिष्टा ये सब देते हैं। ये यानी उसका फर्क है, अगर ज्वर है तो, और ज्वर नहीं है तो सोरेटिक आर्थराइटिस में ये प्रयोग हम करते हैं। और इसके बाद आए सिफिलिटिक आर्थराइटिस। अब ये सिफिलिटिक आर्थराइटिस मैंने लिखा है, बता रहा हूँ आपको, पहले हमारे यहाँ आज से 15 साल हो गए, अभी आपको दिखाने के लिए भी नहीं, स्टूडेंट को बताने के लिए भी सिफिलिटिक आर्थराइटिस मिलना मुश्किल है, आउटडेटेड हो गया, ये चला गया पीछे। लेकिन हमारे पास जो सिफिलिटिक आर्थराइटिस की बहुत अच्छी चिकित्सा हमारे चेलोटे सर करते थे, हमारे वार्ड के पेशेंट में होती थी, वो सिफिलिटिक आर्थराइटिस का वैशिष्ट्य ये है कि उसके लक्षण जो है ना, कई बार ऐसा लगता है कि आमवात है, कई बार ऐसा लगता है कि वातरक्त है। आज एक बता रहा है, दूसरे दिन दूसरी बात बोलता है पेशेंट, वो संचारी नहीं बताता लेकिन त्रिका संधियों में वेदना बताता है। आज वो त्रिका में बताएगा, दूसरे दिन आपको पर्व संधियों में शोफ दिखाई देगा, रेडनेस दिखाई देगा, यानी उसमें वेरिएशन होते रहता है। कई बार हमको लगता है अरे आमवात के जैसा दिख रहा है, चार दिन के बाद लगता है अरे तो वातरक्त है। पेशेंट को तीव्र वेदना रहती है, कई बार बोलता नहीं आज अच्छा लग रहा है, ज्वर नहीं के बराबर रहता है, मंद ज्वर रहता है, यानी मिक्स लक्षण रहते हैं। अब उसमें हमको यूरिक एसिड करके देख लेते हैं, वो नॉर्मल आता है, और आमवात की चिके में विशेष रूप से हमको जब डाउट आने लग गया कि ये मिक्स लक्षण दिख रहे हैं आमवात और वातरक्त के, तो हम उसको KTVDRL पहले कराते थे। अभी ये सब आउटडेटेड है, पर इसकी सफल चिकित्सा ये रहती थी कि अगर वो कंफर्म सिफिलिटिक आर्थराइटिस है, आपके पास गलती से किसी के पास ये आ गया और आपको लगा कि ये सिफिलिटिक आर्थराइटिस है, तब अष्टमूर्ति रसायन 1 ग्राम, गुड़वेल सत्व 10 ग्राम और चोपचिन आदि चूर्ण 20 ग्राम, ये सब मिला लीजिए, इसकी 22 पुड़ियां बना लीजिए, एक पुड़ी सुबह एक पुड़ी शाम घी शक्कर के साथ। इसका अनुपान हमेशा ध्यान रखिए, अष्टमूर्ति जब भी आप प्रयोग करोगे घी शक्कर दोनों एक चम्मच में मिला लेना है, उसमें एक पुड़ी मिलाना है, रुग्णों को चाटने के लिए देना। यहाँ तक तो सर कहते हैं कि पहले उसके मुंह में घी लगा लेना चाहिए, उसके बाद ही पुड़ी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आप अष्टमूर्ति रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। बट मिरेकल है कि अगर सिफिलिटिक आर्थराइटिस आपका डायग्नोसिस कन्फर्म है तो इसके रिजल्ट भी कन्फर्म है, ये गारंटी है, बट आज की तारीख में ये नहीं मिलता है। पर मैंने बताया क्योंकि हम लोग इसको वार्ड में और ओपीडी लेवल पे भी ट्रीट कर चुके हैं। सिर्फ घी नहीं, घी और शक्कर घृत शर्करा मिला करके उसके साथ पूरी मिलाकर देते हैं। ये सब ट्रीटमेंट हम संधि शूल से रिलेटेड हम रेगुलर हमारे ओपीडी में करते हैं, और उसका निदान जो है लक्षणों के आधार पर करते हैं। ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक हिरण दिखाया है, स्पॉटेड डियर। थैंक यू भी बोल रहा हूँ, आप लोगों ने पेशेंस शांति से सुना है और मुझे सुनाने का मौका दिया, इसलिए आयोजकों का भी धन्यवाद। लेकिन मैं ये थैंक्स में ये हिरण दिखा रहा हूँ, स्पॉटेड डियर, चित्तल बोलते हैं मराठी में। ये प्राणी को कभी संधिशूल नहीं होता, ध्यान रखिए सर, अगर जिस दिन इसको संधिशूल हो गया ये जीवित नहीं बचेगा। ये बताने का उद्देश्य ये है कि इनमें संधियों का कोई व्याधि नहीं होता है, ये उसका वैशिष्ट्य है। ये इसका दूसरा वैशिष्ट्य, मैं थोड़ा नेचर की तरफ जा रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार टाइगर प्रोजेक्ट लेके चलते ही है, व्याघ्र संरक्षण चला रही है, व्याघ्र संरक्षण में भारत सरकार जितना योगदान है
उससे कहीं गुना ज्यादा योगदान इस पर है। आप बोलोगे कैसे? ये व्याघ्र संरक्षण के लिए, व्याघ्र को जीवित रखने के लिए ये अपने प्राणों की कुर्बानी देता है। ये अगर नहीं रहे हमारे जंगलों में तो व्याघ्र बचेंगे नहीं, ये उसकी कुर्बानी है। पर ये उद्देश्य अलग है, मेरा बताने का उद्देश्य उसके संधियों की तरफ है। ये संधियों में कभी शूल नहीं होता है, ये इस स्पॉटेड डियर में। आप लोगों ने मुझे अच्छे से सुना, ध्यान दे के सुना, इसके लिए सबका धन्यवाद। हम जो रेगुलर हमारे ओपीडी में जो चिकित्सा संधि शूल की करते हैं वो मैंने आपको शेयर की है, किसी को कोई क्वेरीज हो या शंका हो तो प्लीज पूछ सकते। बहुत ही अच्छा सर, बहुत बढ़िया। और सर लेक्चर सुनने के बाद ये लगा कि सभी रोग निदान वालों को ओपीडी का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, तभी इस नहीं सर होगा होगा बिना मरीज देके क्लिनिकल स्किल डेवलप करना बहुत ही कठिन है। तो इसको आज आपके लेक्चर से ये प्रूव हो गया, बहुत ही बहुत धन्यवाद। आज करिया गुलवेल सर तो क्या है, गुलवेल गुडुची सत को गिलो, सॉरी सॉरी हां मैं मराठी शब्द प्रयोग किया हूं, सॉरी सत्व गिलोय सत्व हिंदी शब्द गुडुची, लेकिन आप क्या ज्यादा यूज होता है हर एक उसमें। हाँ, हमारे सर का कहना था कि जब भी आप गुगुल प्रयोग करोगे या रस औषधि का प्रयोग करोगे तो आप एक शामक गुड़वेल सत्व साथ में डाल दीजिए, कहीं उस औषधि का रस औषधि का या गुगुल किसी को सूट नहीं हो रहा है या अतिरेक करेगा तो गुड़वेल उसको बचा लेगा। इसलिए हम गुड़वेल का उपयोग करते थे, फिर शायद रसायन के स्वरूप में था या उसके उपद्रव से बचाने के लिए था। हमारे सर निश्चित शेलोटे सर गुड़वेल सत्व का गिलोय सत्व का प्रयोग करते ही थे। अच्छा, गवर्नमेंट सप्लाई में आता भी होगा खूब सारा। जी 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 आता है गिलोय सत्व, इसीलिए हर एक उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है सर, हेलो मैडम आपका आवाज आया सुबह से पहली बार। थैंक यू मैम का आवाज आ गया, अरे वही बात, बहुत बढ़िया मैडम की आवाज वापिस आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं एक्चुअली मैं एक टाइम पे दो डिवाइस से ज्वाइन हूँ, जो रेगुलर डिवाइस है उससे आवाज नहीं आ रही थी, इसके लिए फोन पे से ज्वाइन हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी that I was, everyone knows that I'm really struggling since last 1.5 hours to get joined. First of all, I'm very much thankful to Kodwani sir. Sir, thank you very much. आप इतने कम समय के इंटीमेशन पे थी फिर भी आप आ गए और बहुत अच्छा लेक्चर हुआ आपकी वजह से। विद इन 5 minutes 100 के हम लोग ये क्रॉस कर पाए, सो थैंक यू वेरी मच। स्टिल फ्यू स्टूडेंट्स आर इन वेटिंग, मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैडम अलाउ करो, तो मैंने साथ बोला कि फेसबुक पे आप देख लीजिए बाद में। ऐसे करके लेक्चर बहुत ही बढ़िया रहा। कोडवानी सर तो उन पितामहों में से एक है जिनके बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों के टीचिंग लर्निंग में अच्छी तरह से आयुर्वेद में और बाकी फैटर्निटीज में भी काम कर रहे हैं। सो एक्चुअली जो फॉर्मेलिटीज, बिकॉज सर तो बहुत बड़े है और सर बहुत लोकप्रिय भी है, यही एक उसी वजह से तो 5 मिनट में इतने सब लोग साथ आ गए। सो मैं एक फॉर्मल सर का इंट्रोडक्शन जो नए स्टूडेंट्स है उनके लिए कर रही हूँ। सो कोडवानी सर फ्रॉम जीएसी कॉलेज महाराष्ट्र, ही इज एमडी इन रोग निदान एज वेल एज एमडी इन गाय चिकित्सा ऑल्सो, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट एट द टाइम ऑफ हिज बीएमएस, मोर देन 30 ईयर एक्सपीरियंसिस। And he sir has achieved, sir is honored by Best Teacher Award in 2013, Dhanvantari Puraskar in 2014, 2015 में सर को पंचकर्मा पुरस्कार मिला है and Best Teacher by Mahayush Kamal Puraskar, sir was honored in 2017. He was ex-BOS member of BHU Varanasi and ex-member of Scientific Advisory Committee DMER, Maharashtra State, Mumbai. Thank you very much sir, और lecture बहुत बढ़िया रहा। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज बताइए। मैडम एक स्टूडेंट कौस्तुभ ने पूछा है कि वातापूर्ण द्रुति वाद स्पर्श है, एक बार फिर से बताइए, मैं वो चैट बॉक्स में फिर से बता रहा हूँ। यस प्लीज सर। सर बताइए। हाँ हाँ एक वातपूर्ण द्रुतिवत स्पर्श ऐसा है कि
द्रुति यानी चमड़े की बैग को, संस्कृत वर्ड है द्रुति, चमड़े की बैग को द्रुति कहा जाता था, उसमें पानी भरते थे पहले लोग और पानी पीने के लिए उसका उपयोग करते थे, वो द्रुति थी। अब वो द्रुति में उस बैग में यदि हवा भर दी जाए और उसको फील किया जाए, स्पर्श किया जाए, तो जो फीलिंग आती है उसको वातपूर्णा द्रुतिवत स्पर्श। हमने ये लैब इधर एक पिक्चर दिखाया है, ये है एयर पिलो है, अभी चमड़ी की बैग तो नहीं, ये एयर पिलो है, उसमें हवा भरी है, उसको हमने दबा के देखो तो जो फीलिंग आएगी वो है वातपूर्ण द्रुति, हवा भरी हुई बैग, उसका जो फीलिंग रहता है वो उस संधिवात व्याधि में दिया है वातपूर्ण द्रुतिवत स्पर्श, वही स्पर्श हम आपको यहाँ फील करा रहे हैं। जानु संधि में जहां शोथ रहेगा उस कंडीशन में, जब शोथ नहीं रहेगा उस कंडीशन में ये वातपूर्ण द्रुतिवत स्पर्श आपको नहीं दिखेगा। तो ये फीलिंग जो है हवा भरी हुई बैग में जो फील होता है, वैसा फीलिंग ये जानु संधि में शोथ की कंडीशन में आता है, उसी को वातपूर्ण द्रुतिवत स्पर्श का वस्तु। ठीक है, हमारे इसको उत्तर प्रदेश में हमारे मशक कहते हैं। क्या सी मशक? मशक जी सर, मशक कहा जाता है बैग को, द्रुति को मशक कहा जाता है, पानी भर के रखते थे लोग पानी भर पीने के लिए, अब तो नहीं चलता है, अभी नहीं चलता, अभी सब खत्म हो गया। कोदवानी सर जी, सर मेरा एक प्रश्न है जी सर, कि वो चरक चिकित्सा स्थान में 28 चैप्टर में मेधसावृत वात को गंगाधर कमेंट्री में कहता है कि इसको आमवात लिया जाए, तो आपके क्या ओपिनियन है इसके लिए? देखो सर, ये मत मतांतर है, अभी आप अभी के जो टेक्स्ट है गणनाथ सेन की किताब देखोगे, गणनाथ सेन ने लिखा है ना निदान के ऊपर, तो उन्होंने गणनाथ सेन में उन्होंने निदान के ऊपर जो किताब लिखी है उन्होंने आमवात को रसवात बोल दिया है, और वात रक्त को रक्तवाद बोला है। अब वो रसवाद को उन्होंने बोला है कि ये आम बात है, वैसी आप जो बोल रहे हैं मेधसा आवृत्त वात है। मैं वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि हम जब ओपीडी में निदान करते हैं ना तो आवृत्त लेके नहीं बैठे सर, आवृत्त का निदान करना इजी नहीं है सर, ये आवृत्त साधा संधि शुल्क का डिफरेंशिएट करना इतना टॉप जाता है, आवृत्त तो बहुत ही सूक्ष्म है सर, बहुत ही बारीकी से स्टडी होना है, तो वो हम उस तरह से निदान हमने आज तक नहीं किया है, क्योंकि उसकी चिकित्सा बदल जाएगी। मेधसा आवृत्त वात बोले तो वात व्याधि के अंतर चला गया, फिर वो अगर हम वात बोले आम वात बोलेंगे तो स्नेहन कर सकेंगे क्या उसमें? तो वही थियोरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये थियोरेटिकल गंगाधर के आपने ओपिनियन दिया था नहीं, मेरा मत है कि फिर उसमें हम आमवात की चिकित्सा दे सकेंगे क्या, स्नेहन बंद कर सकते क्या, जबकि मेधसा आवृत्त वाद वात व्याधि में चले गए। सर और एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी मैडम बोलिए ना। यस, और एक सर प्लीज एक्सप्लेन प्रसारण आकुंचन वेदना अगेन। अच्छा वो इसमें ओके, हाँ हाँ देखो संधि का कार्य क्या है, संकोच करना प्रसार करना, पूर्वपर संधि लो, जानु संधि लो, गुल्फ संधि लो, अब अंश संधि लेंगे तो उत्थापन आ जाएगा, अन्य उसका प्रसार है, और नीचे करे तो संकोच है, ये संधि का प्राकृत कार्य है। अब ये प्राकृत कार्य होना यानी संधि है, अगर कोई बीच में आर्म को ये प्रकोष्ठ भाग में आप फोल्ड कर सकते क्या? नहीं फोल्ड कर सकते, क्योंकि वहां संधि नहीं है, संधि स्थान से ही हम फोल्ड कर सकते या संकोच कर सकते, प्रसार कर सकते, संकोच प्रसार से ही संक्रमण क्रिया हो रही है हमारी, उससे हमारे गुल्प संधि, जानु संधि, वंक्षण संधि, ये तीन संधियों में संकोच प्रसार होते रहता है और हमारी संक्रमण क्रिया चलते रहती है। हम हस्त ग्रहण धारण करते हैं तो ये पर्व संधियों में संकोच प्रसार होते रहता है और हमारा ग्रहण धारण का कार्य चलते रहता है, ये संधियों का प्राकृत कार्य है। बट ये कार्य जब विकृत हो जाता है, पूरी तरह से विकृत हुआ, तो उसको आयुर्वेद में हंति संधि शब्द प्रयोग किया है। अब ये आमवात में क्या हो जाता है, संधियों में जो शोथ होता है या वेदना होती है तो संधियां सिकुड़ते जाती है, उनका संकोच हो जाता है, हम उसको सीधा करने जाते हैं, उसका प्रसार करने जाते हैं तो उसको वेदना होती है। ये पेशेंट है, ये पेशेंट मेरे यहाँ 2 महीने एडमिट थी, ये उसका पूरा ये नी जॉइंट है ना, ये डिस्टेंस है नी जॉइंट का पश्चात भाग से बेड तक की डिस्टेंस,
12 इंच थी, पूरा ऐसा उठा हुआ घुटना था उसका जानु संधि, पर हमने उसका जब निरामावस्था आई तो उसको ट्रैक्शन दे करके अभ्यंग करके उसको सीधा किया और इतना डिस्टेंस बाकी है। अब वो उसको दिखाने के लिए हमने उसका लेके रखे थे कि यदि हम उसका प्रसार करते हैं तो पेशेंट के फेस एक्सप्रेशन देखिए आप, बाकी नहीं, वो देखिए फेस एक्सप्रेशन देखिए, उसको प्रसार करते समय उसको वेदना हो रही है, यानी आम बात में संकुचित हो जाता, सीधा नहीं कर पाता, संधि संकोच शब्द टेस्ट में प्रयोग किया गया है, तो ये संकोच वाली अवस्था है। अब प्रसार कब हो, प्रसार कब हम उसका प्रसार नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट जो संधिवात का रुग्ण रहता है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें जानु संधि का नाश, सॉरी मैं जानु संधि बोल रहा हूँ क्योंकि वेट बेरिंग जॉइंट मैक्सिमम वही है, तो जानु संधि का नाश हो गया, हंति संधि हो गया, उस समय आप उसको फोल्ड करोगे या पेशेंट बोलेगा कि मैं सुबह टॉयलेट को बैठ नहीं सका, या टॉयलेट को बैठते समय मेरे को पैर लंबा रखना पड़ता है, यानी वो जानु संधि का संकोच नहीं कर पा रहा है। अब वो संकोच यदि हम करेंगे, इसमें करते हुए दिखाया है हमने, तो उसके फेस एक्सप्रेशन देखिए, वो जानु संधि का हम समझ कर रहे हैं, उसका चेहरा देखिए आप, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे बदल रहे, क्योंकि इसमें संकोच करते समय वेदना हो रही है। अम्बवात वाले रुग्ण में प्रसार करते समय वेदना हो रही थी। ये बेसिकली ओपीडी लेवल पे आप तुरंत निदान कर सकते हैं कि ये संधिवात है या अम्बवात है, ये दो ही फैक्टर है। आप रेगुलर पेशेंट देखो, आपके तुरंत ध्यान में आएगा। किनी मैम, आप इसको कंक्लूजन वाली और 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 दो क्वेश्चन से पूछ सकती हैं सर? बहुत लंबा करेगा, कॉमन क्वेश्चन है सर, दो ही छोटे कॉमन क्वेश्चंस है। इफ 40 इयर्स ओल्ड पेशेंट इज हैविंग अटोप एंड मंद संधि शूल इन वन जानु संधि एंड द अदर जानु संधि इज हैविंग शोथ एंड रेडनेस, व्हाट विल बी द फाइनल डायग्नोसिस? एक में है संधिवात, संधिवात उसको संधिवात ही डायग्नोस करना पड़ेगा। ओके एंड और एक क्वेश्चन है लास्ट सर, हंति संधि पूरी तरह से क्योर होती है क्या? ना 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 नहीं, संधि संधि रेयरली क्लियर होती है, हंति संधि के कुछ पेशेंट ही हमने देखे हैं कि जो बैठ सकते हैं, हंति संधि के कुछ पेशेंट ही, उसमें पेशेंट की चिकाटी होना साथ में डॉक्टर की चिकाटी होना, आपके पास पेशेंस है और पेशेंट के पास पेशेंस है, रेगुलर अभ्यंग और वो जो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी है ना, फोल्ड करना सीधा करने, पैसिव फिजियोथेरेपी, एक्टिव पैसिव दोनों प्रकार की फिजियोथेरेपी उसको देना है, वो पेशेंट अगर कर सकता है तो होगी, अन्यथा नहीं। अब क्या होता है, ये जो पेशेंट रहते हैं ना अंति संधि वाले, 50 के ऊपर वाले रहते हैं, वो इतना बेयर नहीं कर पाते, इस कंडीशन में कुछ लोगों को ही पूरा फायदा होता है, बट एक फायदा निश्चित है, वो नीचे नहीं बैठ सकते। आज क्या हो गया है, लोगों के घरों में कमोड आ गई है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, सर मेरा दर्द कब हो गया ना, जाने दो बैठना छोड़ दो बोलते हैं, यानी हमने, मैं जो बोल रहा हूँ कुछ पेशेंट पूरे ठीक है, वो पूरा उत्कटन कर सकते हैं, ऐसे कुछ पेशेंट है, पर मैक्सिमम पेशेंट का क्या, हंति संधि वाली कंडीशन में उनका वेदना कम हो गया, शूट कम हो गया, चल फिर सकते हैं बट उत्कटासन नहीं कर सकते हैं, तो बोलते हैं साहब रहने दो ना, हमारे यहाँ कमोड है हम कर लेंगे, यानी ये फैक्ट, ये आज की तारीख की बात बता रहा हूँ, अगर उसमें पेशेंस रहता था ना तो आप उसको पूरा फोल्ड कर सकते हैं। नमस्ते संदीप। हाँ सर, पायर पाया पड़ू सर, संदीप सर पाया लागू सर, पाया लागू, थैंक यू वेरी मच सर। वन क्वेश्चन इज देयर दैट व्हेन आई कम टू अक्रॉस विद द सेवरल थीसिस रिगार्डिंग क्रोष्टुक शीर्ष, there was an interpretation that Krostuk Shirsha is mostly regarding to the infective arthritis. Ji ji. Sir, my question regarding your huge experience is that how do you differentiate between the syphilitic arthritis and Krostuk Shirsha? Oh ho ho. Krostuk Shirsha, जब हम infective arthritis से correlate करते हैं तो वो knee joint लेके आना होना चाहिए, उसमें anatomical deformity, मैं उसको clinical diagnosis दूंगा, मेरे हिसाब से Krostuk Shirsha क्यों बोलूंगा, अगर उसका आकार विकृत हुआ है, लोमड़ी के चेहरे के जैसा बोलने के अपेक्षा एनाटॉमिकली डिफॉर्मिटी है, इतनी हार्ड डिफॉर्मिटी रहती है, उसको दबाने से भी वो दबता नहीं है, हार्ड डिफॉर्मिटी रहती है उसमें,
ये नी जॉइंट में रहेगी, लेकिन सिफिलिटिक आर्थराइटिस में पॉली आर्थराइटिस रहता है क्लियर कट, उसमें पर्व संधि भी रहते हैं, मणिबद्ध भी रहते हैं, जानू भी रह सकते हैं। मैं उसमें बोला ना आपको सिफिलिटिक आर्थराइटिस में कंफ्यूजन होता है वो वात रक्त है या आमवात है, आपको पेशेंट हर चार दिन में थोड़ा अलग कंफ्यूज करेगा, चिकित्सा बदलना ही पड़ता आठ दिन में आपको। हाँ आप एक बार कंफर्म हो गए, अभी तो मैं बोला ना ये आउटडेटेड हो गया, केटीवी डीआरएल भी नहीं होता आज हमारे यहाँ, वो तो बंद ही हो गया, लेकिन वो अगर कंफर्म हो गया तो मैं बोला तो ये अष्टमूर्ति वाला फॉर्मूला दीजिए, निश्चित आपको फायदा मिलता है। पोस्टुक शीर्षक तो टोटली इन्फेक्टिव आर्थराइटिस टोटली अलग है उससे, इसमें तीव्र ज्वर मिलेगा आपको। थीसिस तो ऐसी जा रही है कि क्रोस्टुक शीर्षक इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की तरफ ही बढ़े जा रहे हैं। सर मैंने जब शब्द कल्पद्रुम को पकड़ा और उसमें इस क्रोस्टुक शब्द के रेफरेंस को देखा तो वहां पे दो तरह के रेफरेंस मिलते हैं सर। वन ऑफ द रेफरेंस इज दैट क्रोस्टुक मीन्स श्रृगाल यानी जो कोल्हे के सिर के जैसा होता है, उसको मॉडर्न में वल्चर भी बोलते हैं। तो ये वल्चर भी दो टाइप का आता है, जो नेचुरल सैवेज क्लीनर आता है जो गिधाड़, वो वल्चर है ना सर, गिधाड़। हाँ सर, तो वो गिधाड़ यानी जो अपनी दुड़की चालों से आता है, हायाना जिसको बोलते वो। एंड अनदर वन वर्ड इज दैट दैट क्रोस्टुक रिगार्डिंग वल्चर दैट गिधाड़, जो पंख वाला प्राणी होता है वो गिधाड़, जो वो भी नेचुरल सैवेज क्लीनर होता है, तो उनके सिर के जैसा। तो ये कौन सा पकड़ना चाहिए सर? नहीं नहीं देखो सर, वो फोटोग्राफ लेके हम नहीं बैठते ओपीडी में। मैं बोला ना एनाटॉमिकली डिफॉर्मिटी होना सामने की तरफ, देखो वो कोष्ठक शीर्षक वो जाने संधि की जो डिफॉर्मिटी लेके आता ना उसका घुटने का पटेला इज प्रोट्रूडेड आउटवर्ड जस्ट लाइक द नोज ऑफ दैट, उसका घुटना जो रहता है ना सामने की तरफ ऐसा नोकदार हुआ रहता है, यानी समोरचा भाग असा निमुळता गेलेला असतो या असा शेप आलेला असतो त्याला विशेष, आणि पॅराइटल इमिनन्स स्वेल्ड असतात। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग इन माय माइंड दैट सर, डू यू अक्रॉस रिगार्डिंग सामसंधिगतवाद? क्या साम? सामसंधिगतवाद। हां सामसंधिगतवाद मैं बोला ना आमवाद के कुछ लोगों सॉरी संधिवाद के कुछ लोग शुरू शुरू में जब आते हैं ना तो हल्का ज्वर लेके आते हैं, वो उसकी सामावस्था है, रहता है निश्चित रहेगा सामावस्था उसमें रहती ही है, पर ये जो आते हैं ना तुरंत आते ही नहीं है, इसमें वेग जब आ गया सामावस्था आ गई तो आएंगे, या फिर जिस दिन बैठना बंद हो गया उस दिन आते हैं, सामावस्था रहती है संधिवाद में निश्चित रहती है, उसी सामावस्था में ही तो शोध बढ़ जाता है, सामावस्था आने के बाद ही शोध बढ़ जाता है, जो मैं वातपूर्ण द्रुतिवत बोल रहा हूँ ना उस कंडीशन में ही बढ़ जाता है सामावस्था। सो नाइस एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी इलैबोरेटेड एवरीथिंग, सो थैंक यू वेरी मच कुडवानी सर, थैंक यू वेरी मच वार्षणे सर, थैंक यू वेरी मच पवन सर and गणेश सर सुद्धा as well as सुरुवातीला ज्यांनी खूप सपोर्ट केला प्रशांत देशमुख सर ऑल्सो, सो मी एक फॉर्म्युलेटी म्हणून पवन सरांना रिक्वेस्ट करेन की तुम्ही या सगळ्या ह्याच्यावर थोडं बोला किंवा समराइज करा, देन वी कॅन अनाउन्स दॅट लेक्चर इज ओव्हर। स्टुडंट अरे हॅलो जाई मॅडम, थँक जाई मॅडम, थँक यू वेरी मच। कोडवानी सर ना सरानंतर काय बोलायचं, मैं मुझे लगता है कि कोडवानी सर ने एक पूरा बड़ा सा पैराग्राफ बता दिया है संधि संधियों के बारे में, उनके नैदानिक परीक्षण के बारे में और उनकी चिकित्सा जो निदान वाले लोग उससे बचते हैं वो वाला एक वैल्यू एडिशन किया, इसलिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओपीडी को अधोरेखित किया फिर से, ओपीडी के महत्व को लोगों ने अपनी बात रख दी। मैं इसी मंच के द्वारा आनंद पोल सर से निवेदन करूंगा कि सीसीआईएम में अपने रसूख का इस्तेमाल करें, इस समय आनंद पोल साहब सीसीआईएम के रोग निदान के प्रतिनिधि है, सीसीआईएम सिलेबस में नई जो कमिटी बनी है। तो, जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, आनंद सर तो इस बात मैंने सभी पॉइंट्स लिख के ही रखे हैं, उसमें ओपीडी का सबसे पहला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये इस लेक्चर में जो ओपीडी का क्लिनिकल तड़का था वो बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, वो तो है ना,
बिल्कुल, मैंने आप कितने भी श्लोक और सूत्र पूरे रटे हुए और चिपकाते रहो पेशेंट को बेड पे लेटा के एक सूत्र मार दिया उसको तो वो ठीक नहीं होता है उसको, तो इसलिए उसको कोडवानी सर ने जो उपाय बताए हमको उनके बिना मजा नहीं आता है। तो बिल्कुल, तो सर के एक एकदम महाप्रबंध के आखिरी बिंदु के रूप में, फुल स्टॉप के रूप में जाई मैडम ने मुझे रख दिया है यहाँ पे, एक फुल स्टॉप लगाओ आप, तो मैं बिंदु स्वरूप फुल स्टॉप लगा रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी संख्या में आके हम लोगों का, हमारा, अतुल जी का, जाई मैडम का उत्साह बढ़ाया। और पुनश्च एक बार जाई मैडम और कर साहब को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए हम रुकते हैं। गुड़वानी सर आपकी अगर अनुमति हो तो इसको एंड करें। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर आवर नाइस लेक्चर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आनंद जी आप हमारा आनंद बढ़ाए ओपीडी दिलवा के, और आनंद सर कांग्रेचुलेशंस, आनंद सर आपसे बहुत ये है, आनंद सर को आनंद सर एकदम कॉन्फिडेंशियल तो नहीं था? नहीं नहीं, मैं क्या कॉन्फिडेंशियल, नॉन डिस्क्लोजर तो शुरुआत आई हो अपने रियल टाइम कॉन्फिडेंशियल रहता था, क्या कम है क्या, आपसे क्या छुपा हुआ है रोम इधर, ठीक है, चलिए बहुत बहुत अभिनंदन, थैंक यू थैंक यू भाई मैडम, आपके आयोजन की सफलता के लिए आपका अभिनंदन, और कुठला आयोजन आप सभी नव सुरुवातीला कनेक्ट होत नव्हते पण अरेंज तुम्हीच केलं ना हे सगळं, वेरी नाइस, धन्यवाद कोडवानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त रहा है, मजा आया, अच्छा।